हे एवरीबडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो अभी सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा तो था कि मैं जल्दी निकल के मथुरा में जो बचे हुए टेम्पल्स हैं उनको देख लूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट उठी। तो मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलिए फिर मेरे साथ चलते हैं वृंदावन और मथुरा की सैर पे। तो मैं ये डायरेक्ट होटल से रिक्शा में, तो रिक्शा मुझे होटल के बाहर से मिला जिसने मुझे चार्ज किया 100 रुपये। मैंने कहा इतना ज्यादा? उन्होंने कहा द्वारकाधीश जी का मंदिर दूर भी है। तो मैंने कहा चलो ओके ठीक है। तो क्या बताऊँ मैं आपको, पहले तो मेन रोड था, दिख रहा होगा आपको, उसके बाद ऐसी गलियों में घुसा दिया और उन गलियों में जगह जगह स्पीड ब्रेकर लगे थे जिन्होंने तो मेरी कमर की बैंड बजा दी। उनसे कहा कि भैया मेन हाईवे से क्यों नहीं जा रहे हो, गलियों से क्यों? मैंने बताया 9 बजे के बाद है ना मेन हाईवे पे, कुछ शुद्ध हिंदी में उन्होंने एक वर्ड बोला था जो मैं क्लियर नहीं हुआ मुझे कि वो क्या बोल रहे हैं, पर मैं समझ गई कुछ होता होगा तभी वो गलियों से लेके आए। अब ऐसा होता है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। चलो टूटी फूटी हालत में पर उन्होंने मुझे द्वारकाधीश पहुंचा ही दिया। तो ये है यमुना जी, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये यमुना जी है। यमुना जी के तट पर ही द्वारकाधीश मंदिर है, बिल्कुल यमुना के तट पर नहीं है, थोड़ा अंदर जाकर है, तो वहां तक ऑटो नहीं जाती है। और वहां पहुंच के हमें ये पता चला कि 8 बजे जो मंदिर है वो बंद हो चुका है, वो 10 बजे खुलेगा और फिर वो 11 बजे बंद हो जाएगा। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे तो हमने सोचा 10 बजे खुलेगा तो हम तब तक यमुना जी की सैर कर ले। तो वहां मुझे भैया ने बताया कि अपना फोन अंदर रख लीजिए नहीं तो बंदर आके ले जाएगा। तो हमने नाव ले ली, उन्होंने मुझे बताया कि 2 से 3 घाट अगर आपको घूमने हैं तो 600, अगर पूरे 25 घाट घूमने हैं तो 1200। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम बहुत है तो मैं 25 घाट घूम लेती हूँ, तो मैंने उनको 1200 दे दिया। अब उन्होंने मुझसे ज़्यादा चार्ज किए या नहीं ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो भैया जी ने बताया कि ये ब्रिज जो है ये बहुत पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का ये ब्रिज है। और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरज देवता तो आज मुझसे खफा है क्योंकि वो तो मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। तो सच बताऊँ ना, आज मुझे हल्की सी ठंड महसूस हुई। तो यहाँ भैया जी मुझे घाट के बारे में बता रहे थे तो मैं उनका वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने फिर मुझे मना कर दिया कि प्लीज़ हमारा वीडियो ना बनाए, हमें मना किया है वीडियो में बोलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया जी। तो भैया जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे, जैसे ये जो वन दिख रहा है, उन्होंने बताया ये वो वन है जहाँ कृष्ण जी ने गाय चराई थी और इसी वन में उनके गुरु जी का एक मंदिर भी है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। तो ये मंदिर यमुना जी के किनारे पे ही है, तो अंदर से कुछ ऐसा है ये मंदिर। तो ये प्रतिमा जो आपको दिख रही है ये ऋषि दुर्वासा जी की है जो कि श्री कृष्ण जी के गुरु थे। इस मंदिर में और 2 से 3 छोटे छोटे मंदिर है जिसमें शनि देव का मंदिर भी है। तो ये मंदिर कुछ अंदर से ऐसा है दिखने में, छोटा सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मतलब वो नेचर वाली फीलिंग आती है। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और देखिए जिस पल का मुझे कब से इंतज़ार था वो भी सूर्य देव ने मुझे दर्शन दे दिए। वाह क्या बात है, धन्य होना मैम कि सूर्य देव जी का इंतज़ार मुझे सुबह से था और मुझे दर्शन मिल गए। और देखिए अब फॉग भी जो है वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी है क्योंकि सूर्य देव जो आ गए हैं। तो अब यहाँ से आपको मैं दिखा रही हूँ सामने ये जो है कंस का किला है। तो मैंने भैया से कहा कि हम इस किले के अंदर नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा इसका रास्ता दूसरी तरफ से है, पर मैडम अंदर कुछ रखा नहीं है, सब कुछ खंडर हो गया है, अभी फॉग है तो किला है ना साफ दिख नहीं रहा है, पर ऐसे अगर फॉग नहीं होती तो ये किला एकदम क्लियर दिखता और आपको भी क्लियर नजर आता। तो अंदर उन्होंने कहा कि अंदर जाओगे अंदर कुछ नहीं है खंडर ही है। तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि मुझे फिर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने थे और फिर मुझे वृंदावन के लिए निकलना था। वहां से ना हमारी नाव टर्न ले रही थी, पहले मुझे लगा कि आगे जाना है, 25 घाट तो बहुत आगे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस यहीं से हमारी नाव जो है वो टर्न हो रही है। तो अब हमारी नाव वापस उसी तरफ जा रही है जहाँ से हमने शुरुआत की थी और उस घाट के रास्ते में और भी घाट आएंगे जैसे कि विश्राम घाट जहाँ कृष्ण जी ने अपने मामा जी का वध करके वहाँ विश्राम किया था, फिर वो घाट जहाँ से राधा रानी जो है वो कृष्ण जी के गुरु के लिए भोजन ले जाया करती थी, वो घाट जहाँ कंस की जो रानी थी वो आके स्नान करती थी। और अब मैं यहाँ प्रकृति का आनंद ले हुए यमुना जी की सैर कर रही हूँ।
तो यहाँ मैं आपको हर घाट की थोड़ी थोड़ी झलक दिखाती जाऊँगी। ज़्यादा झलक दिखाऊँगी तो फिर आप यहाँ नहीं ना आएंगे। जो मज़ा यहाँ आके देखने में वो वीडियो में कहा, इसलिए थोड़ा थोड़ा झलक दिखाऊँगी ताकि आप भी मथुरा जाएं और इन घाटों को नज़दीक से देखें। ये जो मंदिर है, ये विश्राम घाट का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अगर भाई दूज के दिन यहाँ पे आके भाई और बहन स्नान करते हैं तो उनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। अब ये कितना सत्य है मुझे पता नहीं, पर मैंने भी ये सुना और आपको सुना दिया। तो विश्राम घाट से होते हुए अब मैं द्वारकाधीश जी की तरफ जा रही हूँ। ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं ये आपको हर घाट पर मिलेंगी, और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये उस मेन सड़क से जाके लगती जो द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरफ जाती है। और सच बताऊं, यहाँ जो बाजार था ना उसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देखने को मिलेंगे, और सामने से आती हुई क्राउड देखकर मैं डर गई। मंदिर के बाहर और अंदर बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ आदमी और औरतों के दोनों की अलग अलग लाइन बनती है। अंदर फोटो अलाउड नहीं था, फोन भी अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने अंदर कोई वीडियो शूट नहीं किया। 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 10 बजे खुलता है, 11 बजे बंद हो जाता है सुबह। वो आने का रास्ता है और अब हम इस रास्ते से बाहर जा रहे हैं जो कि बाहर जाने का। हर जगह कुछ अच्छे और कुछ अजीब से लोग होते हैं। यहाँ फिर मुझे ऐसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। तो यह है मंदिर के बाहर का एरिया जो मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड थी। तो ये दुकानें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अपना सामान सेफ रख सकें। ये दुकानें जो है मंदिर के राइट साइड 3 दुकानें छोड़ के हैं। इस दुकान पे नाम भी लिखा है, आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ आप अपने जो बैग और शूज़ है वो कुछ पैसों में सेफली रख सकते हो। किसी दुकान के बाहर रखोगे तो उनकी गारंटी नहीं होगी कि ये सामान आपको वापस मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं ऑटो या रिक्शा की तलाश में हूँ जो हमें उस जगह तक पहुँचाएगा जहाँ से हमें वृंदावन के लिए रिक्शा या फिर बस में। ऑटो तो मिला नहीं, ये साइकिल वाला रिक्शा मिल गया तो मैंने ले लिया, जो कि 20 रुपीज़ में मुझे उस जगह तक पहुंचाएगा जहां से मुझे या रिक्शा मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं हमारे साथ यहां क्या हुआ। जिस ऑटो में हम आए थे ना, उन्होंने हमसे कहा कि मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो मैंने भी कहा ठीक है, और मैं निकल पड़ी दर्शन के बाद वापस से यमुना घाट की तरफ। जब मैं वहाँ गई तो देखा ऑटो वाले थे नहीं, मेरे 15 से 20 मिनट ना वेस्ट हो गए। और फिर मैं वापस आई द्वारकाधीश जी के मंदिर, और फिर वहाँ से रिक्शे की तलाश में, जो कि मुझे मिला नहीं। अब मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। हमें यहाँ मेरे रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ उतारा और बोल रहे हैं कि जहाँ वो टेम्पो वगैरह है वहाँ पे ही बस आएगी जो वृंदावन जाएगी। टेम्पो वाला भी 20 रुपीज़ लेता है, बस वाला भी 20 रुपीज़, अकॉर्डिंग टू रिक्शे वाला कि बस कम्फर्टेबल है। हम देख लेते हैं हमें क्या मिलता है अब क्या नहीं। तो यहाँ ना मैंने बस नहीं ली क्योंकि बस के लिए मुझे ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और टाइम मैं यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहती थी, मैंने टेम्पो ले लिया। ये आप देख रहे हैं, नहीं नहीं रेगिस्तान नहीं है, बट मेरे को तो आज वैसी फीलिंग आई। हमारा ऑटो हमें यहाँ से शॉर्टकट मार के ले आया, और सच बताऊँ तो ऐसे लग रहा था कि हम रेगिस्तान में चढ़ रहे हैं। इतना नेचुरल पाउडर हमें मिल रहा था ना, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। उस ऑटो ने हमें यहाँ छोड़ दिया। अभी सभी मंदिर बंद हैं तो भी बोल रहे हैं कि निधिवन खुला है तो हम यहाँ से निधिवन जाएंगे। यहाँ से सभी रिक्शे वाले आपको 50 रुपये चार्ज करेंगे पर पर्सन, और इनसे बारगेनिंग की मच करना ही मत क्योंकि ये एक पैसा नीचे नहीं उतरते हैं। तो अब मैं निधिवन की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। पार्ट 2 में निधिवन और शाहजी मंदिर के बारे में आपको बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।